हेलो फ्रेंड्स, नीट पीजी 2020 में आए हुए फिजियोलॉजी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इसमें कुछ इसमें पहला क्वेश्चन है, विटामिन B12 इज फाउंड इन, और उसका आंसर था एनिमल प्रोडक्ट्स। फिर क्वेश्चन है, ए 50 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट विद पैरास्थीसिया, हीमोग्लोबिन लेवल इज 6.8 ग्राम पर डील, पेरिफेरल स्मेयर शोज माइक्रोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल विद हाइपर सेगमेंटेड न्यूक्लियाई, एंडोस्कोपी रिवील्स एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिशियंसी इज मोर लाइकली टू कर। तो इसका आंसर होगा विटामिन B12 डिफिशियंसी। फिर देखते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन बिटवीन आइडेंटिकल ट्विन्स आइसोग्राफ्स, ये मैंने पैथो में बता दिया। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्पुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर NCEP गाइडलाइन ATP3 विच इज नॉट इंक्लूडेड इन मेटाबोलिक सिंड्रोम, दैट इज हाई LDL, विच आर द फॉलोइंग बाइंड्स टू टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, ठीक है, और आंसर है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 42 ईयर ओल्ड पेशेंट प्रेजेंटेड विथ सिम्टम्स ऑफ प्री मेच्योर एजिंग एंड इज डायग्नोस्ड एज वर्नर सिंड्रोम, द मोस्ट लाइकली मैकेनिज्म, शॉर्ट टेलोमेरेज विथ डैमेज DNA एंड लॉस ऑफ हेलिकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरम प्रोलैक्टिन लेवल आर हाइएस्ट वेन, 24 आवर आफ्टर पर्टुरेशन, इन ह्यूमन सेल्स मियोसिस टेक्स प्लेस एट एडल्ट ओवरी। क्वेश्चन नंबर 10, सी वेव इन JVP इज ड्यू टू बल्जिंग अप ट्राइकस्पिड वेल्व ड्यूरिंग द आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए प्री टर्म बेबी विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड वुड बी डिफिशियंट, ठीक, आंसर है डाइपामिट ऑयल फॉस्फेटाइडिल कोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पेयर्ड फंक्शन ऑफ एक्वापोरिन रिजल्ट इन नेफ्रोजेनिक सिम्टम्स, व्हेन VQ रेशियो इज इन्फिनिटिव इट मींस डेड स्पेस, द स्लीप वेव मार्क्ड इन दी EEG ड्यूरिंग स्लीप वेक साइकिल, एक स्लीप वेक साइकिल था उसमें कुछ कर्व थे, ये कौन से किसको किस स्लीप को बताता है, तो REM स्लीप को बता रहा है। सेरिबेलम हिस्टोलॉजी आइडेंटिफाई सेल टाइप, ठीक, फिगर थे सेरिबेलम का, उसका हिस्टोलॉजी था, उसमें से आइडेंटिफाई करना था कौन सा सेल है, परकिंजे सेल। इन्हें प्रीटर्न बेबी विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, विच टाइप ऑफ सेल इज डिफिशियंट, टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स, ए यंग मैन मेट विद ए मोटरबाइक एक्सीडेंट एंड हैड इंजरी टू इलियम एंड जेजुनम, देयरफॉर द इंटायर इलियम एंड पार्शियल जेजुनम वाज रिसेक्टेड, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द पेशेंट सफर फ्रॉम, इलियम जेजुनम निकल गया तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो डिफिशियंसी हो जाएगी। ए 35 ईयर ओल्ड फीमेल वाज वॉचिंग TV फॉर लॉन्ग आवर्स विद हैंड्स अंडर द हेड, सी कंप्लेंट्स ऑफ टिंगलिंग सेंसेशन ओवर द आर्म, विच टाइप ऑफ नर्व फाइबर इज
most likely to be affected? A type, because it is pressure sensitive. Next question, the reflex in which there is inhibition of gastric emptying when there is acid and hypertonic solution in the duodenum. Reflex, reflux, enterogastric reflux. In multiple sclerosis, slow conduction of motor and sensory pathway is due to loss of myelin sheath. Next question. NO is synthesized from proteoglycan present in glomerular basement membrane, heparin sulfate. Next question. Which of the following clotting factor in a patient on warfarin therapy would have decreased gamma carboxyglutamate residue? And that is factor 2. Water hammer pulse is seen in aortic regurgitation. The next question is, a 50-year-old lady presented with a vascular injury to the inferior frontal gyrus, which functional area would mostly be affected? Okay, motor speech area. Next question. A boy met with an motorbike accident. CT brain shows injury to posterior end of superior temporal gyrus. Superior temporal gyrus is injured. He is likely to suffer from fluent aphasia. Lab reports of a patient was given here. Partial pressure of carbon dioxide 30 mm Hg, bicarbonate 10 milliequivalent per liter, and pH 7.2. Which of the following disorder he may have? Metabolic acidosis. 28th question. A 55-year-old male present with tachypnea and mental confusion. Blood glucose 350 mg per dl, pH 7. What is the most likely acid burst disorder? That is also metabolic acidosis. Next question. Cortisol level will be high when? Normal person after wakening in morning. Next, blood stored in CPT is better than ACD because it improves oxygen transport, citrate phosphate dextrose and acid citrate dextrose. क्योंकि ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करता है, इसीलिए स्टोरेज में इसको ज़्यादा यूज करते हैं और ये बेटर होता है. ठीक है, देखो कुछ फिजियोलॉजी क्वेश्चन थे, इसमें कुछ मिक्स क्वेश्चन होंगे पैथोलॉजी के भी, जो दोनों सेक्शंस में आते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.